हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन द मैथ्स क्लास वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपसे कहा गया है सरिता वॉट टू अपॉन 5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3 अपॉन 4 मीटर ऑफ रिबन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट। देखिए, इसमें आपको कहा गया है ललिता जो सरिता है वो 2 अपॉन 5 मीटर रिबन बॉट करती है, ललिता 3 अपॉन 4 मीटर रिबन बॉट करती है, टोटल लेंथ कितना रिबन बॉट करते हैं। तो आपको ये बहुत बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा या एडिशन, ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्योंकि तो यहाँ पर टोटल लेंथ पूछी है, तो टोटल लेंथ का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि तो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट मैं लिखता हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सरिता बॉट रिबन कितना रिबन बॉट करती है 2/5 मीटर। तो हमने यहां पे लिख दिया सरिता बॉट रिबन 2/5 मीटर। उसके बाद दूसरा है ललिता बॉट रिबन, ये बॉट करती है 3/4 मीटर। टोटल रिबन दे बॉट तो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पर टोटल लेंथ पूछी गई है, टोटल लेंथ पूछी गई है तो इसका आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो आप एडिशन करिए 2/5 + 3/4। और इससे पहले जो हमने क्वेश्चन में फर्स्ट किया था उसमें इस तरह के एडिशन बहुत क्लियरली हम मैंने आपको बता दिए थे। यहां पर सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 5 और 4 इज 20। एलसीएम 5 और 4 का लेते हैं तो वो आता है 20। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना है, 20 आ जाएगा। आप देखेंगे 20 को 5 से डिवाइड करने पर 5 4 20। मैंने आपको फिर बताया, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं अपने बात को कि 5 4 20, तो यहां पर आ जाएगा 4 2 8, 4 5 20, देन 3 5 15। तो आपके पास आ जाएगा 15 और 8 23/20, और 23/20 जब आपके पास आ जाएगा तो आप इसका डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन रखना पड़ेगा। तो 20 21 20, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3, तो इसका आंसर आएगा 1/3/20 मीटर। बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर आपको मीटर में लेंथ दी गई है, तो आपको आंसर भी मीटर में ही देना है। अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है नैना वॉज गिवन 1/1/2 पीस ऑफ केक एंड नशमा वॉज गिवन 1/1/3 पीस ऑफ केक, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वॉज गिवन टू बोथ ऑफ देम। बहुत क्लियर आपको ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपसे कहा गया है नैना को 1/1/2 पीस ऑफ केक मिला है, जबकि नजमा को 1/1/3 पीस ऑफ केक मिला है, दोनों को टोटल कितना मिला है। देखिए, जहां पर आपसे टोटल आपसे आ जाए, तो टोटल आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना होता है, टोटल का मीनिंग है आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन तो करना नहीं है। बहुत ही क्लियर ये क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए। तो उसके बाद देखते हैं इसकी लैंग्वेज हमें कैसे लिखनी है। लैंग्वेज भी बहुत शॉर्ट में लिखनी है, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी है आपको। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे नैना वॉज गिवन, और ये स्टेटमेंट मिलती कहां से, स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन से मिल जाती है बहुत इजीली। आप क्वेश्चन से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको टफ नहीं समझना चाहिए। नैना वॉज गिवन केक 1/1/2 पीस, तो यहां पर आपने लिख दिया। इसके बाद नशमा वॉज गिवन, नशमा वॉज गिवन केक, ये आपके पास आ जाएगा 1/1/3 पीस। आपके पास टोटल केक पूछा गया, टोटल केक कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों को, तो टोटल केक आप फाइंड करेंगे तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/1/2 + 1/1/3। तो मैंने आपको बताया जब किसी को ऐड करते हैं तो एडिशन का आपको मेथड आ जाना चाहिए। ये दोनों ही वैल्यू आपके मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले इनका मिक्स फ्रैक्शन से इंप्रॉपर में चेंज करेंगे, 2 1 2 1 3/2, और ये आ जाएगा 3 1 3 और 1 4/3। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम आप फाइंड करेंगे तो आपके पास आता है 6। 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, आप अपने आप फाइंड करके भी देख सकते हैं। और इसका एलसीएम आ गया 6, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। हमने इसको डिवाइड किया तो 2 3 6, देन 3 3 9। फिर मैं आपको याद दिला दूं इस बारे में कि 2 3 6, 2 3 3 जा, इट मींस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे,
थ्री टू जा सिक्स, इट मीन्स हम टू का मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, तो आपके पास थ्री थ्री जा जाएगा नाइन, एंड फोर टू जा जाएगा एट, और नाइन और एट आ जाएगा सेवनटीन अपॉन सिक्स, और सेवनटीन अपॉन सिक्स एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, तो आपको उससे डिवाइड करना होता है, सिक्स टू जा ट्वेल्व, और आपके पास आएगा फाइव, रिमाइंडर बचेगा सेवनटीन में से ट्वेल्व माइनस होता है तो फाइव बचता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे टू होल, ये होल होता है, इसको आप कहते हैं टू होल फाइव अपॉन सिक्स, तो आपके पास इसका आंसर आएगा टू होल फाइव अपॉन सिक्स पीस। जो आपको यहाँ पर यूनिट दी गई है वो यूनिट आपको लास्ट में भी लगानी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो, क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट हो। अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास ये फिल इन द बॉक्सेस, आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वहां पर आपको बॉक्सेस दिए हैं जो आपको फिल करने हैं, तो हम देखते हैं बॉक्सेस को कैसे फिल करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे बॉक्सेस को फिल करने के, लेकिन वहां पर और इन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहां इनके डिनोमिनेटर सेम होते थे, यहाँ इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन करने का मेथड है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर जो आपका बॉक्स है जो आपको फिल करना है, वो आपको यही रखना है जहां पर ये पहले ऑलरेडी था। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको करना है जो वन अपॉन फोर है वो राइट हैंड साइड में रखा था, राइट हैंड साइड में ही रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो माइनस का फाइव अपॉन एट है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो आपको ये बात बहुत ही क्लियर पता होनी चाहिए, जब कोई वैल्यू माइनस की होती है और जब उसकी साइड चेंज कराई जाती है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। कोई भी वैल्यू जो माइनस की होती है अगर हम उसे साइड चेंज करके ले जाएंगे तो वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और प्लस की कोई वैल्यू है तो वो माइनस की हो जाती है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं यहां पर इन दोनों को हम ऐड कैसे करेंगे। फोर और एट का एलसीएम आता है एट, मैं देखता हूं कि फोर को एट से, यहां पर एट को फोर से डिवाइड करने पर फोर टू जा कितने बार जाता है, टू टाइम्स, तो वही जो आप पहले से करते आ रहे हैं टू वन जा टू, और एट वन जा वन टाइम्स, तो फाइव वन जा फाइव, तो यहां पर आएगा फाइव टू सेवन, सेवन अपॉन एट, इसका मतलब जो आपका बॉक्स है जो आपको फिल करने के लिए कहा गया था उसमें जो आएगा वो सेवन अपॉन एट आएगा। ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट भी आपको इसी की तरह दिया हुआ है, आपसे कहा गया यहां बॉक्स है आपको इसमें वैल्यू फिल करनी है, फ्रैक्शंस रखना है, माइनस वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन अपॉन टू। अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल, आप इसको सबसे पहले बॉक्स को इसी तरह से रखा रहने देंगे जैसे रखा हुआ था। हमें क्या करना है, केवल एक छोटा सा काम करना है, हमें माइनस के वन अपॉन फाइव को साइड चेंज करके ले जाना है, और वन अपॉन टू यहां पर है तो वन अपॉन टू यहां पर रखा हुआ है, लेकिन माइनस का वन अपॉन फाइव हम यहां ले गए हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब कोई वैल्यू ले जाते हैं तो माइनस की अगर वैल्यू है तो प्लस की हो जाती है, और प्लस की वैल्यू है तो वो माइनस की हो जाती है। तो यहां पर मैंने देखा कि यहां पर फाइव और टू का एलसीएम आता है टेन, और फिर आपको तो पता ही है क्या करना होता है, टू फाइव जा टेन कितने बार गया है, फाइव टाइम्स, टू फाइव जा टेन, तो फाइव वन जा फाइव आ गया, और आप देखेंगे फाइव टू जा टेन देन टू वन जा टू आ गया, तो आपके पास फाइव और टू आ गया सेवन, ये आ गया सेवन अपॉन टेन, तो आपके पास जो बॉक्स को फिल करने के लिए दिया गया था वो आ गया है सेवन अपॉन टेन, यही इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, आपसे कहा गया वन अपॉन टू में क्या माइनस करें, वन अपॉन टू में क्या बॉक्स में क्या माइनस करें कि वन अपॉन सिक्स आ जाए, तो इसको कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने वन अपॉन टू को रखा है क्योंकि वन अपॉन टू अपने प्लेस पर रखा हुआ था, वो अपने प्लेस पर ही रखा है। मैंने काम किया, जो वन अपॉन सिक्स है वो मैं अपनी साइड लेके आ गया, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी, जो राइट हैंड साइड की वैल्यू थी वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, और जो लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स रखा हुआ था, जो बॉक्स रखा हुआ था जिसके बाहर माइनस था उसको मैं साइड चेंज करके ले गया तो प्लस का हो गया। बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए। मैं देखता हूं यहां पर टू और सिक्स का एलसीएम कितना आएगा, टू और सिक्स का एलसीएम आता है सिक्स, और टू और थ्री का जब टू और सिक्स का जो एलसीएम आता है सिक्स, आप देखेंगे टू थ्री जा डिवाइड करने पर कितने टाइम्स किया है, टू थ्री जा थ्री टाइम्स, तो आपको थ्री का मल्टीप्लाई वन से करना पड़ेगा, थ्री वन जा थ्री, और सिक्स वन जा सिक्स देन वन वन जा वन, तो आपके पास जो बॉक्स दिया हुआ है वहां पर जो वैल्यू आएगी वो थ्री में से बन गया टू अपॉन सिक्स, और टू अपॉन सिक्स को भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा टू वन जा टू और टू थ्री जा सिक्स, तो आपके पास फाइनली जो बॉक्स में वैल्यू आई है वो आई है वन अपॉन थ्री।
तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास बॉक्स है, जो फिल इन द ब्लैंक्स जो बॉक्स दिया हुआ है उसको अब साइड चेंज करके ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये माइनस का बॉक्स प्लस का हो गया, 1/6 प्लस का या माइनस का हो गया, तो ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बॉक्सेस दिए गए हैं और बॉक्सेस में क्या पूछा गया उसको देखते हैं। इसमें कहा गया कंप्लीट द एडिशन सब्ट्रैक्शन बॉक्सेस। आपके पास ये बॉक्स दिए गए हैं, इसमें इसमें जो पोर्शन दिए गए 9 दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन इसमें से ओनली 4 फिल है, बाकी के हमें फिल करने हैं। अब आपको कैसे फिल करने हैं, इसमें आपके पास कुछ साइन भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिया गया, यहाँ पर माइनस का साइन दिया गया। आपसे कहा गया है कि आप इन दोनों को प्लस कीजिए और इन दोनों को भी प्लस कीजिए, इसका आंसर यहां रखना है। इन दोनों को प्लस करके इस आंसर यहां रखना है और फिर इन दोनों को माइनस करके आंसर यहां रखना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो बहुत ही इजी चीज लगनी चाहिए, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, 3, 3, 3, 3, तो किसी तरह की एडिशन या सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पर क्या लग रहा है, 2 और 4, 6, और यहां पर 3 है, तो मैंने कहा यहां पर भी 3 आएगा और 2 और 4 आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 6/3। बहुत ही ध्यान से आपने इसको 6/3 रख दिया। अब देखेंगे इसको ऐड करेंगे 2 और 1, 3/3। जहां पर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वहां पर डिनोमिनेटर यहां पर भी सेम रहता है। अब आपको क्या करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। 2/3 - 1/3 आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/3। आप देखिए 3 है यहां पर, डिनोमिनेटर 3 है यहां पर भी 3 है, तो डेफिनेटली यहां डिनोमिनेटर 3 आना चाहिए। तो मैंने यहां पर डिनोमिनेटर कितना रख दिया, 3 रख दिया। अब देखेंगे यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो डेफिनेटली यहां का डिनोमिनेटर भी 3 होना चाहिए था। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2/3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा यहां पर भी 3 है डिनोमिनेटर, यहां पर भी डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका डिनोमिनेटर कितना आएगा, यहां पर भी 3 आएगा। तो आप देखेंगे 6 में से 3 माइनस होता है तो कितना बचेगा, 3। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंप्लीट हो जाना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो वैल्यूज है इन वैल्यूज को प्लस करके यहां रखना है, इन वैल्यूज को प्लस करके यहां रखना है, इन वैल्यूज को सेपरेट करके यहां रखना है, इन वैल्यूज को सेपरेट करके यहां रखना है। तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से बॉक्स कंप्लीट करना आ जाना चाहिए। इसका आप सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। लेकिन इस बॉक्स में और इस बॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस क्या है, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें जो डिनोमिनेटर्स थे वो बिल्कुल सेम थे, लेकिन अब जो बॉक्स है हमारे पास उसमें डिनोमिनेटर थोड़ा डिफरेंट है। उसमें अगर कोई रफ वर्क करना होगा तो बाहर कर लेते हैं। आपको कहा गया 1/2 + 1/3, तो 1/2 और 1/3 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 आएगा। और हम देखेंगे 2, 3 + 6 = 3, 3 + 2 = 6, 2 = 2, तो आपके पास यहां आना चाहिए 5/6। तो मैंने यहां बॉक्स में रख दिया है 5/6। बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए, हमें इन दोनों को ऐड करना है और यहां वैल्यू रखनी है। तो एडिशन तो आपको पूरी एक्सरसाइज में मैंने आपको बहुत बार करा दिया है, 1/3 + 1/4, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12, 3 4s are 12 then 4 1s are 4, 4 3s are 12 then 3 1s are 3, आपके पास यहां पर आएगा 7/12, तो यहां पर आप रखेंगे 7/12। अब मैंने एडिशन तो कर दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है। देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। 1/2 को 1/3 में से देखिए, सब्ट्रैक्शन का साइन आपको यहां माइनस का दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको अब सब्ट्रैक्शन करना है, 1/2 में से 1/3 को माइनस करना है। तो 1/2 को 1/3 माइनस करना है, तो आपको 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। आप देखेंगे 2, 3 + 6 then 3 1 = 3 and 3, 2 + 6 then 2 1 = 2, तो आपके पास बचेगा 3 - 2 = 1, 1/6, तो यहां पर आपके पास 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 1/3 में से 1/4 को माइनस करना है। 1/3 में से 1/4 माइनस करना है, आप इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 3 4s are 12 तो 4 आ जाएगा, 4 3s are 12 तो 3 आ जाएगा, यहां पर रिमाइंडर बचेगा 1/12। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आपके पास यह 5/6 में से 7/12 को माइनस करिए, 5/6 में से 7/12 को माइनस करना है। आप देखेंगे 6 और 12 का जो एलसीएम आता है वो आता है 12, 6 2 = 12 then 5 2 =
टेन, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, सेवन वन जा सेवन, सेवन में टेन में से सेवन माइनस होता है तो आता है थ्री, थ्री अपॉन ट्वेल्व, और थ्री अपॉन ट्वेल्व आप यहां पर रख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो फ्रैक्शंस हैं हमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना आता है, तो यहां पर हॉरिजॉन्टली हम एडिशन कर रहे हैं, वर्टिकली हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।